साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चंद्रयान 3 अपने साथ कौन कौन से पेलोड लेकर गया था और वहां जाकर क्या काम करने वाला है। लैंडर पेलोड्स की अगर बात करें तो इसमें से रामबा, चेस्ट, ILSA और LRA आ जाता है, जबकि रोवर पेलोड्स में LIBS और APXS शामिल था। वही प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिर्फ एक पेलोड था जो कि शेप था। अब हम लोग इन सभी पेलोड्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के पेलोड्स की अगर बात करें तो इसमें पहला आ जाता है शेप, यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये पेलोड फ्यूचर के स्मॉलर प्लैनेट्स की डिस्कवरी करेगा और वहां प्रेजेंस ऑफ लाइफ यानी उस एक्सोप्लैनेट की हैबिटेबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। वही दूसरा पेलोड आ जाता है रामभा, यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इस पेलोड की अगर बात करें तो रामभा पेलोड मेजर करेगा मून सरफेस के आसपास प्लाज्मा डेंसिटी कितनी है और समय के साथ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कैसे चेंज होती है, इस बारे में ये जानकारी प्राप्त करेगा। वही लैंडर पेलोड्स में ही लगा एक दूसरा डिवाइस चेस्ट, यानी कि चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। ये पेलोड मून सरफेस के पोलर रीजन के थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाएगा, ल्यूनर टॉप सॉइल का टेम्परेचर प्रोफाइल मेजर करेगा और मून के थर्मल बिहेवियर की स्टडी करेगा। रिसेंटली इसरो ने ये कंफर्म किया है कि मून के साउथ पोल के वेरियस डेप्थ में डिफरेंट टेम्परेचर अवेलेबल रहता है। एक्सपेरिमेंट्स अभी जारी हैं, फर्दर अपडेट्स के लिए हम लोग इसरो के अपडेट्स का इंतजार करते हैं। अब लैंडर पेलोड में लगे ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। ये पेलोड मून सरफेस के सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में पता लगाएगा, यानी कि मून सरफेस में जो अर्थक्वेक्स वगैरह एक्टिविटीज होती हैं उस बारे में ये पता लगाएगा और मून के क्रस्ट और मेंटल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा। वही लैंडर पेलोड में ही लगा हुआ चौथा पेलोड आ जाता है LRA, यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, मून के डायनेमिक्स के बारे में पता लगाएगा। अब हम लोग रोवर प्रज्ञान में लगे पेलोड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि ल्यूनर सरफेस के सॉइल कंपोजिशन मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। वही APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि ल्यूनर सॉइल और रॉक्स के एलिमेंटल कंपोजिशन जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, पोटाशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन आदि के बारे में पता लगाएगा। साथियों, वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि भारत के मून मिशन के कुल 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला, ल्यूनर सरफेस के साउथ पोल पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर को मून सरफेस पर रोविंग कराना। और तीसरा, ल्यूनर सरफेस पर ही इन सीतु एक्सपेरिमेंट्स करना, जिसमें से इस मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिया है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर और रोविंग ऑफ प्रज्ञान रोवर ऑन दी ल्यूनर सरफेस। अब हमें देखना है कि रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर मिलकर ल्यूनर सरफेस पर इन सीतु एक्सपेरिमेंट्स करने में कितना कामयाब होता है। साथियों, कमेंट करके आप अपना सुझाव दें कि ये इन सीतु एक्सपेरिमेंट्स करने में भारत कितना कामयाब होगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।